अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ के इश्यूज को बहुत बड़ी कोई सीरियस चीज़ नहीं समझा जाता है, ना तो इसको पब्लिक सेक्टर में किसी किस्म की रिकग्नाइशन मिल पाती है और ना ही गवर्नमेंट लेवल पे हमने देखा है कि किसी किस्म की रिकग्नाइशन इस फील्ड को नहीं मिली है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको यहाँ से मिल जाएगी कि जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक हकीम भी बैठा हुआ मिलेगा, आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी वहाँ पर मिलेगा, लेकिन आपको कभी भी एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर नहीं मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है इस कौम का कि मेंटल हेल्थ को सीरियसली कॉप नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, लेकिन इन्हीं मेंटल हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की जानिब से एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। हम इस स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं। एक्चुअली खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से एक किस्म का डिप्लोमा ऑफ़र किया गया है स्टूडेंट्स को और इस डिप्लोमा का नाम है मेंटल एंड बिहेवियरल साइंसेस का डिप्लोमा है ये, और यहाँ पर एक बकायदा इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल साइंसेस। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल साइंसेस का ये शोबा है, इसका काम होगा मेंटल हेल्थ को सीरियसली कॉप कर पाना और इसके हवाले से जिस किस्म के भी डिप्लोमास हों वो आपको ऑफर किए जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी के अंदर रिसेंटली ट्वैक्स का एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है। ये टेस्ट एक किस्म का एंट्री टेस्ट था। ये एंट्री टेस्ट पास करने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे इनको ये डिप्लोमा करवाया जाएगा। ये डिप्लोमा है क्लिनिकल साइकोलॉजी का और बिहेवियरल साइंसिस का। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए बिल्कुल जिस तरह आपको MD CAT का एंट्री टेस्ट पास करना पड़ता है MBBS करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह आपको ये डिप्लोमा करने के लिए ट्वाक्स का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो ट्वाक्स का एग्ज़ाम जो है वो आपको देना पड़ेगा ये डिप्लोमा करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेस का खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप ये करना चाहते हैं तो एक काफ़ी जो है अच्छा कैरियर पाथ है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली अगर हम देखें खैबर के अंदर जहाँ पर वाकई में मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है बहुत ज़्यादा। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया गया ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा शानदार और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। तो जो स्टूडेंट्स जो लोग MD CAT के खाँ हैं या जो MD CAT के अलावा किसी और फील्ड में, किसी और मेडिकल फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं, जो लोग BDS नहीं करना चाहते हैं या जो लोग वाकई साइकोलॉजी के अंदर बड़े इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए काफ़ी शानदार कैरियर पाथ है। आप ट्वाक्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर और ट्वाक्स का एग्ज़ाम देने के बाद आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। ये डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा है। आप इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाकर kmu.edu.pk के ऊपर आपको इसकी मजीद इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। लेकिन यह बात आपने याद रखनी है कि यह एग्जाम देने के लिए आपको पहले ट्वाक्स का जो टेस्ट है यह पास करना पड़ेगा और यह किस्म का एक जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट बिल्कुल जिसमें जो आपके जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा सा सब्जेक्ट से रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें आएंगे, एक MCQs बेस्ड पेपर होगा। अगर आप ये पास कर लेते हैं तो आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से। और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर और मेरे ख्याल से काफ़ी रोशन मुस्तकबिल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइकोलॉजी की फील्ड में आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।